कोरोना महामारी के चलते सभी कार्य ठप पड़े हैं, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के किसान पवन कुमार को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पवन कुमार ने बताया कि 2013 में उद्यान विभाग की मदद से 12,000 स्क्वायर मीटर पर पॉली हाउस लगाया था। इस पॉली हाउस में फूलों की खेती भी शुरू की थी, जिससे उन्हें हर साल 8 से 10 लाख का लाभ होता था। यही नहीं, पवन कुमार ने अपने फूलों की खेती में हाथ बटाने के लिए करीब 30 से 35 स्थानीय सहित प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मुहैया करवाया था। पवन कुमार ने बताया कि उनके फूलों की सप्लाई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल में होती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते उनके फूलों की फसल नहीं बिक पाई है। हालत ये है कि फूल पॉली हाउस में ही सूख गए हैं या तो सूखने की कगार पर हैं। फूलों की फसल को काटकर फेंकना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। पवन कुमार ने बताया कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अब मजबूरन उन्हें सब्जियां बेचनी शुरू कर दी हैं, जिससे उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। पवन कुमार ने जयराम सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों और बागवानों की इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें आर्थिक मदद मुहैया करवाई जानी चाहिए। फूल निकलने थे, ये सारे हमारे फूल दिल्ली जाने थे, तो ये एक भी नहीं गया। जितना भी माल हमने काट काट के बाहर फेंका हुआ है, बाकी आपने देख लिया है, जितना भी ये माल चला हुआ है सब काट काट के बाहर फेंक रहे हैं। लाखों को नुकसान हो रहे हैं सर। 30-35 आदमी लगे हुए हैं, सब घर बैठे हुए हैं सर, अपने आप खुद काम कर रहे हैं। अब क्या करना सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है, लेबर के बिना काम नहीं चल सकता है सर। अब क्या कर सकते हैं, अभी देख लेना है भाई, हमारा जितना हर्जाना हुआ उतना तो नहीं मिले, कुछ ना कुछ तो कुछ परसेंट हमें खर्चा तो मिले सर फूलों का। लाखों जेबों से अपनी जेब से पैसा लगाया होता सर। सर कितने करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आपने? ये सर 3,10,00,000 रुपये का टोटल प्रोजेक्ट लगा हुआ था सर। इसमें 12,000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस लगा हुआ है सर, 4 बोर लगे हुए हैं, 4 टैंक बने हुए हैं, लेवलिंग का खर्चा 10-12 लाख रुपये, 15 लाख रुपये लगा हुआ है सर। इसमें टोटल खर्चा मतलब 3,10,00,000 रुपये लगा हुआ है सर। सर जैसे कोरोना नहीं था तो इससे पहले आपको कितनी आमदनी हो जाती थी? इससे पहले सर ठीक आमदनी हो जाती थी, मतलब एक साल में मतलब लेबर लूबर सारा छोड़ के मतलब 7-8-10 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लेता था साल में जी। वहीं स्थानीय निवासी श्यामलाल का कहना है कि पवन कुमार ने बैंक से कर्जा लेकर फूलों का कारोबार शुरू किया था, जिससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा था, लेकिन अब कोरोना के चलते उनका ये व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुका है। ऐसे में सरकार को किसानों और बागवानों की कुछ न कुछ मदद अवश्य करनी चाहिए, ताकि ये किसान और बागवान दोबारा से अपना काम धंधा शुरू कर सकें। हमारे पड़ोस के गांव के और बड़े एक्टिव किसान हैं और बड़े जुझारू हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और सबसे बड़ी इनका ये है कि स्थानीय 30-35 लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे थे, और ये बड़ी महान है कि लोग घर बैठे लोगों को रोजगार देना। और इनका धंधा जो है अब कोरोना के वजह से चौपट हो गया है, और जो मैरिज पार्टियाँ बाकी शादी वगैरह थी वो भी बंद हो गई, उसकी वजह से इनका सारा कारोबार चौपट है, उनका काम चौपट हो गया ना। जितने मजदूर थे वो सभी घर बैठ गए। अब ये इस कैसे भरपाई कर रहे हैं, ये तो बड़े परेशान हैं बेचारे। हमारे से कई बार बात करते हैं कि गुरु जी करो कुछ, के कोई सरकार से मदद दिलाओ कुछ, कम से कम कुछ ना कुछ मुझे मिले। तो हमने कि चलो लाते हैं कुछ, सरकार के कानों तक वो आज आपकी पहुंचेगी, क्योंकि किसान जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को मदद करनी चाहिए।